हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज हम हल्टर कॉलर नेक बनाएंगे फ्रेंड्स, जो बहुत ही इजी है बनाना। ये देखिए, उसके लिए जो है मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। आप 2.5 मीटर भी ले सकते हैं, आप अपनी लेंथ के हिसाब से जो है आप वो कपड़ा लेंगे। जैसे हम और सूट काटते हैं सेम ऐसे ही, जैसे नीचे से फोल्ड करते हैं ऐसे ही हम उसका मार्जिन रखेंगे, और ऊपर जो है हम सिलाई लगाते हैं शोल्डर पर, ऐसे ही हम मार्जिन लेंगे। मतलब जैसे हमने सेम काटना सेम वैसे ही जो है हम बैक पार्ट को काटेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, ये जो है नीचे से जो है, ये देखिए बॉटम पार्ट जो है, ये मैंने जो है सेम ऐसे ही रखा है जैसे हमने जो नीचे रखते हैं अपनी सिलाई के लिए कुर्ते के लिए। ऐसे ही जो पूरा ये कुर्ता मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है। जो भी आपका नाप हो उसके हिसाब से आप उसको कटिंग कर लीजिए। बैक पार्ट सबसे पहले, बैक पार्ट कटिंग होगी, फिर उसके बाद जो है फ्रंट होगा। तो फ्रंट के लिए जो है हमने क्या करना है, जैसे हमने ये देखिए बैक पार्ट हमने काट लिया है, फ्रंट पार्ट हमारा नीचे की साइड है उसको मैंने रख दिया है, और इससे जो है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट जो है हमारा 3.5 साढ़े 3 इंच जो है जहाँ पर कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसके बाद जो है हम अल्टर नेक जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि कॉलर जो आता है वो हमारा इसी में ही अटैच होगा, अलग से हमारे को नहीं लेना होता। और ये देखिए, ये जो हमारा जो है शोल्डर, शोल्डर जो है हम और शोल्डर से जैसे हमने 7 इंच लिया है तो हम उसको 8 इंच लेंगे, और 6 लिया है तो हम 7 इंच लेंगे। शोल्डर जो है 1 इंच जो है उसमें एक्स्ट्रा होता है। बाकी जो हमारा आर्मोल है सेम ऐसे ही कटेगा जैसे हमारी ये आर्मोल की कटिंग होती है, सेम ऐसे ही। उसके बाद जो है ये देखिए बैक पार्ट, ये जो है बैक पार्ट जो है इसको मैं जो है अलग कर देती हूँ। फिर ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट जो है मैंने यहाँ से, अब मैं आपको बताऊँगी कि ये हमने कैसे लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट जो है ये मैंने इसका कट कर इसको मैंने निकाल दिया है। बैक पार्ट, बैक पार्ट सेम ऐसे ही कटना है जैसा हमारा और जो कुर्ते काटते हैं ऐसे ही हमने इसकी कटिंग करी है। अब देखिए, उसके बाद जो है ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट में जो है हमने लंबाई जो थी वो हमने एक्स्ट्रा ली थी ऊपर की साइड में, तो ये देखिए ये है मैंने 3.25 इंच ली। तो 3.25 इंच जो है हम यहाँ से इस तरीके से सीधा निशान जो है ये लगा देंगे। ये देखिए 3.25 इंच मैंने यहाँ से निशान लगाया। उसके बाद ये देखिए, आपको ये निशान दिखेगा नहीं अगर आपको, तो मैं जो है इसके ऊपर जो है ये बुकरम लगा देती हूँ। आप इसे डायरेक्ट कपड़े पर भी काट सकते हैं और आप इसे बुकरम पर भी काट सकते हैं फ्रेंड। तो मैं आपको इस पर दिखाऊंगी ताकि जो है अच्छी तरह से पता चल सके, निशान जो है दिखाई दे। तो इस 3.25 इंच का जो है निशान मैंने यहाँ पर लगाया, और इस निशान को हम मिला देंगे। ये देखिए, उसके बाद जो है हम यहाँ से अपने नेक की जो है लेंथ लेंगे। लेंथ जो है आप जो है फ्रंट नेक जो है, क्योंकि कॉलर बनता है उसमें नेक जो है थोड़ा बड़ा बनता है, तो उसमें जो है आधा 1.25 इंच जो है वो आप उसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और नॉर्मल आप नेक के अकॉर्डिंग। अब जो है ये देखिए, यहाँ पर मैंने 7 इंच का निशान लगाया, यहाँ पर मैंने 3.25 इंच का निशान लगाया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 इंच है, तो 7 इंच का हम हाफ कर देंगे, ये हमारा 3.5 आ गया। ये 3.5 पर हमने ये निशान लगाया। अब ये देखिए, जैसे हम और नेक के लिए हम देखिए 3 इंच लेते हैं ऐसे ही, ये 3 इंच जो है हमने ऐसे ही लिया यहाँ से ऊपर से भी, और इसको इससे मिला देंगे। ये इससे मिलाया मैंने। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से जो है 1 इंच लेंगे या हम 1.25 इंच लेंगे। ये जो पोर्शन जो हम लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन देखिए जो मैं अभी निशान लगाती हूँ, ये मैं यहाँ से 1.25 इंच ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से। अच्छा, जो ये मैंने 1.25 इंच लिया है, ये जो है हमारी कॉलर बनती है, ये कॉलर की जो है ऊंचाई होती है कि हमारे को कितना कॉलर ये चाहिए, क्योंकि ये घूम कर आएगा। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग आप ले भी सकते हैं इसको। तो मैंने जो है यहाँ से 1.25 इंच लिया है। ये लेने के बाद ये जो मैंने निशान लगाया है, ये वाला निशान जो लगाया है 3.5 पर जो मैंने निशान लगाया, इसका मैंने हाफ लिया है 7 का। अब ये देखिए, यहाँ से जो है हम निशान लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच का ये मैंने निशान लगाया ऊपर से, ये जैसे हम नेक काटते हैं सेम ऐसे ही। उसके बाद जो है यहाँ से मैंने 2.5 इंच लूँगी। 2.5 इंच लेने के बाद ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी शेप देंगे। ये 2.5 इंच पर लेकर आई मैं। 2.5 इंच पर लेने के बाद अब हम ये जो है 1.25 इंच जो लिया है यहाँ पर मिलाएंगे धीरे धीरे इसको इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये हम निशान मिलाएंगे। उसके बाद जो है हम इसको काटेंगे, यहाँ से जो है हम 1 इंच जो है, ये देखिए यहाँ से हम 1-1 इंच लेंगे।
यहाँ से एक एक इंच लेते हुए ये देखिए इस तरीके से। और अब इसकी जो है हम कटिंग कर देंगे, या तो आप इसे कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं या फिर आप इसको बुकरम पर ऐसे कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको इस पर दिखाया ताकि आपको आसानी से दिख सके, क्योंकि ये मेरा प्रिंटेड कपड़ा है। ये देखिए अब जो है हम बुकरम की कटिंग करेंगे, पहले हम इस पोर्शन को काट लेते हैं। और फिर अंदर वाले पार्ट को इसको काटेंगे हम सेम ऐसे ही, जैसे हम निशान लगाएंगे इसी से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये ऐसे ये कटिंग होने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है हमारा ये बनेगा। अब ये देखिए ये वाला जो पार्ट है हम इसको खोलेंगे, यहाँ पर भी है एक कट का निशान लगा देंगे सेंटर के लिए। और उसके बाद जो है अभी मैं आपको इसमें बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स जो हमने जो है बुकरम काटी थी वो जो है हमने इसके ऊपर कपड़े पर लगा दिए, ये उल्टी साइड है ये इसका सीधी साइड है। तो उल्टी साइड हमने बुकरम रखकर, आपकी पेस्ट वाली बुकरम हो तो आप उसे प्रेस कर सकते हैं या फिर फ्यूज पेपर है जो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सिलाई लगाकर इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद इस यहाँ से जो है हम आधा आधा इंच जो है कपड़ा लेते हुए इसकी कोई पूरी कटिंग जो है हम इसमें कर लेंगे। करने के बाद बीच बीच में जो है थोड़ा कट के निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई जो है हम लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आधा आधा इंच जो मैंने यहाँ से कपड़ा रखा है उसके बाद हम इसको सिलेंगे और यहाँ पर कट कट के बीच में जो है निशान लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा हो अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरीके से जो भी शेप हमारी हो उसी शेप में आप इस कपड़े को फोल्ड करते जाइए पूरे को। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स नेक जो है ये ऐसे कर हमने सेट करना है। तब हमारा ये सेट हो जाएगा। इसको हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी इसको ऐसे फोल्ड कर मैंने यहाँ पर ये कट का निशान लगा दिया है। तो ये हमारा सेंटर निकल गया। ये देखिए इस तरह ऐसे ही हम कुर्ती फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर का ये निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर कट लगाया है हमने पहले से ही, तो ये जो है ये निशान पर हम इसको सीधे पर सीधा रखेंगे। ये सीधा है, ये भी सीधा है। ये वाला सेंटर जो है इस पर मिलाएंगे यहाँ पर, और इस वाले सेंटर से इसको यहाँ पर ये ऐसे हम सेट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर सेट करने के बाद है फ्रेंड्स आप जो है इस पर पिन लगा सकते हैं, कच्चा कर सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट भी आप इसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद करने के बाद फ्रेंड्स सेट होने के बाद ये जो हमारी बुकरम जो है इसके बिल्कुल साथ साथ, जो बुकरम के ऊपर नहीं बिल्कुल साथ साथ जो है हम एक सिलाई ऐसे लगाते हुए पूरे नेक पर जो है ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स जहाँ पर हमने बुकरम रखी है उसके बिल्कुल साथ साथ जो है, बुकरम के ऊपर नहीं और इसके साथ साथ जो है हम सिलाई करते चले जाएंगे। ये देखिए जैसे हम और नेक बनाते हैं सेम ऐसे ही जो है इसको भी हमने सेट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे जो है हमने इसको सेट कर लिया है सिलाई लगाकर, सेम जैसे जो हमने नेक की कटिंग की है सेम ऐसे ही इसको हमने सेट करना है सिलाई लगा। अब यहाँ से अपनी सिलाई से आधा आधा इंच की या थोड़ा सा आधे इंच से थोड़ा सा कम लेते हुए इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे इसी शेप में। ये ध्यान रहे कि आपकी सिलाई जो है वो ना कटे, उसके साथ नहीं लेना, उससे थोड़ा सा हमने अलग करते हुए इस तरीके से इसकी पूरी जो है कटिंग हम कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं सेम हमने इसकी कटिंग और इसकी जो है इसको हमने सेट कर लिया। ये देखिए इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए ये पोर्शन जो है अभी हमने काटा नहीं है, इसको हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ से फोल्ड करने के बाद ये देखिए दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इक्वल करने के बाद फ्रेंड्स जो हमारा ये पोर्शन है ये तो हमारा हो गया सिलाई। उसके बाद आधा इंच ये देखिए यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम, जो हमारी ये जो नेक बनने के बाद आधा इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे इस तरीके से। और सवा तीन इंच जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ये ऐसे यहाँ पर और ये यहाँ पर ये सवा तीन इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ये इस तरीके से। ये देखिए और ये अब इसकी कटिंग हम कर देंगे देखिए यहाँ से और इसको यहाँ से।
ये इसकी कटिंग ऐसे हो जाएगी। इसकी कटिंग होने के बाद फ्रेंड्स इसको जो है हम ऐसे सीधा करेंगे। और दूसरा जो शोल्डर है, अब ये देखिए सबसे पहले जो है हम इसकी जो हमारी नेक है जो कॉलर, इसको हम जोड़ी ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इसको ऐसे खोलेंगे इस पोर्शन को, और ये ऐसे ऐसे खोलेंगे और इसकी जो है एक सीधी सिलाई हम लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है सिलाई लगा दी है। ये बुकरम जो हमने नेक बनाया था इससे, ये देखिए ये इसको टच करना है और यहाँ से कपड़े को टच करते हुए सीधी जो एक सिलाई हम इसको लगा देंगे। फिर ये कॉलर जो है इस तरीके से ऐसे फोल्ड होगा, ये देखिए ये ऐसे कर कर जो है इस तरीके से जो है इसकी शेप आएगी ऐसे। अब उसके बाद जो है हम बैक पार्ट है वो रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से सीधे पर सीधा रखेंगे कपड़े को, और इसको यहाँ से ये देखिए इस तरीके से अब इसको यहाँ से हम सिलेंगे, जो मैं आपको सिलना बताऊँगी। इनको शोल्डर को शोल्डर से ऐसे हम सिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स शोल्डर जो है हमने यहाँ से टच कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ से हम सिलाई लेकर आएंगे तो हमारा ये फ्रंट पार्ट जो है कॉलर का ये वाला, और जो बैक नेक जो है ये दोनों, देखिए ये इसका सेंटर है, सेंटर से सेंटर को दोनों को मिला देंगे ताकि ये हमारा जो है एडजस्ट रहे। पिन लगा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम ये सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी सीधी ही सिलाई लगेगी, ये देखिए। दोनों एक साथ आ गया है ये। अब उसके बाद ये यहाँ से इसको ऐसे ही हमने सिलना है। ये देखिए ये शोल्डर जो है हमारा बराबर आ गया। आप पिन लगा सकते हैं, पिन लगाने से ये है कि आपका जो है बिल्कुल सही से जो है नेक बनेगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है हमारा शोल्डर जो है यहाँ से जॉइंट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से। इसके बाद जो है हम इसको इस तरीके से उल्टा कर देंगे, ये देखिए यहाँ से, और जैसे हमारी नेक की शेप है ऐसे ही शेप देते हुए पूरे इस पर जो है नेक पर हम ये आगे पीछे जो है पूरी जो है सिलाई कर देंगे। ये देखिए पूरे नेक को जो है हमने खोल दिया। अब जो है पूरे नेक पर जो है एक साथ जो है हम सिलाई लगा लेंगे, या फिर आप कुरपाई कर लीजिए। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स नेक जो है हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके नीचे जो है ये मैंने वाइट पेपर लगा दिया ताकि आपको जो नेक जो है वो क्लियर आपको डिज़ाइन जो है पता चल सके। ये देखिए, और ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये नेक जो है यहाँ से थोड़ा छोटा लगे या कुछ, आप इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कॉलर में अगर हम बड़ा नेक पहनते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, तो आप उसको बनाकर आप पहन सकते हैं। वो छोटा ही नेक लगेगा, आप बड़ा भी बनाएंगे तो भी। ये देखिए, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।